हेलो फ्रेंड्स, एडवांस लर्निंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर्स के करवाने वाले हैं। दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस हैं ये हम आपको हाई स्कूल की नूतन पब्लिकेशन की बुक से करवा रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि ये जो बुक है ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ आदि इन सभी बोर्डों पर चलती है, ठीक है ना दोस्तों। और इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी इंक्लूड हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो बिना देरी किए हुए सबसे पहले हम चलते हैं उन क्वेश्चंस की तरफ, के हम लोग चौथा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो क्वेश्चन है ये सन 2012 में आया हुआ है, ठीक है ना दोस्तों। तो हम लोग सबसे पहले, हम लोग इसके पहले तीन क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपको देखना है तो प्लीज़ जाके हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो हमारा क्या दिया गया, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर की है और दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो हमने इसके पहले ही सब कुछ समझा दिया था किस तरह से हमें साइन लेना है, तो दोबारा से हम आपको समझा देते हैं कि जो हमारा अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण में V हमेशा कैसा लिया जाता है, माइनस के लिया जाता है, और V भी माइनस का, U भी माइनस का, और F भी हमेशा कैसे लिया जाता है, माइनस साइन के साथ, ये हमारी इन चिन्हों के साथ लिया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। हमारी V की वैल्यू एक ऐसी होती है जिसमें हमारी एक ऐसी पोजीशन आती है जब हमारा आभासी प्रतिबिंब बनता है, तब वहां पर हमारा किसका साइन लिया जाता है, प्लस का साइन लिया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। वरना हमारा सभी में क्या लिया जाता है, माइनस का साइन ही लिया जाता है। अगर वी का मान कहीं पर भी माइनस का आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमारा ये होता है कि हमारा वो प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक प्रतिबिंब है, ठीक है ना दोस्तों। तो अब देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले इसमें हमारा देखो एफ की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ पर माइनस की सिंपल सी 10 सेंटीमीटर हमारा अवतल दर्पण, इस वजह से एफ कैसा होगा, हमने पहले ही बता दिया माइनस चिन्ह के साथ लिया जाएगा। इसके बाद हमारा क्या कहा है, दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, तो यहाँ पर यू की वैल्यू कितनी दी गई है, यू की वैल्यू हमारी कितनी, माइनस की 20 सेंटीमीटर। तो पूछा प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, यानी कि वी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, समझ में आए। अब यहाँ पर हम सिंपल सा फॉर्मूला लगा देते हैं, 1/F = 1/V + 1/U, ठीक है ना दोस्तों। ये हमारा कौन सा होता है, दर्पण का सूत्र होता है, ठीक है ना दोस्तों। चाहे हमारा उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों में यही हमारा सूत्र लगता है, ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पर हम सबके मान रखेंगे, तो एफ का मान कितना है, चिन्ह के साथ रखेंगे, तो माइनस का 1/10 = 1/V का मान कैसा होगा, तो वी का मान सिंपल सा हमें निकालना है, यू का मान कितना है, माइनस का 1/20°, ठीक है ना, सॉरी 20। अब यहाँ पर इसको हम इस तरफ लाते हैं तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 1/10 वैसे ही लिखा रहेगा। ये जब हमारा ये पूरा इस तरफ आएगा तो कैसा हो जाएगा, ये प्लस का 1/20 हो जाएगा, 1/V ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसका जब 10 और 20 का टोटल एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। अब 10 2 जा कितना होता है, 20, यानी कि माइनस का 2 हो गया। 20 को 20 से डिवाइड करोगे तो प्लस 1 ही आएगा, सिंपल सा 1/V = यानी कि -1/20 = 1/V, यानी कि V = हमारा कितना आ गया, माइनस का 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर माइनस साइन क्या प्रदर्शित कर रहा है कि हमारा प्रतिबिंब कैसा है, हमारा प्रतिबिंब हमारा वास्तविक है, समझ में आया दोस्तों, कैसा हमारा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है ना दोस्तों। अब हम लोग पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि 1.30 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु 8.0 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थित आकार व प्रकृति बताइए। दोस्तों, ये एक ऐसा क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन को आप समझ गए तो आप इसके साथ बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी के हुए आप सबसे पहले चलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है कि क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 1.3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है, तो यानी कि वस्तु की लंबाई को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, हमेशा ओ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, वस्तु की लंबाई को ओ से डिनोट करते हैं। और हमने ये पहले ही बताया था कि जैसे हमारा ये क्या होता है, दर्पण का ध्रुव होता है, क्या होता है, दर्पण का ध्रुव, यानी कि अगर ये हमारा कोई ऐसे दर्पण रखा हुआ है, सपोज हमारा ये कौन सा दर्पण है, अवतल, और इसमें बता भी दिया गया कि अवतल दर्पण है, तो इस तरफ की दूरी जो भी ली जाएंगी यानी कि कैसी होंगी, वो निगेटिव, इस तरफ की पॉजिटिव, ऊपर की कैसे होंगी, पॉजिटिव, और नीचे कैसी होंगी, निगेटिव, क्योंकि वहाँ पर वाई एच पॉजिटिव होता है यहाँ पर, और यहाँ पर वाई एच निगेटिव होता है, यहाँ पर एक्स एच निगेटिव होता है, और यहाँ पर एक्स एच पॉजिटिव होता है, इस वजह से हमारे इस तरह से चिन्ह लिए जाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारा इसमें क्या दिया गया कि हमारी O की वैल्यू कितनी दी गई है, 3 सेंटीमीटर, तो O की वैल्यू कैसे ली जाएगी, हमेशा पॉजिटिव में ली जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद कहता है ये 8.0 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, तो दोस्तों हमने इसमें ये बताया कि वक्रता त्रिज्या,
वक्तर त्रिज्या हमारी की वक्तर त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए आर से डिनोट करते हैं, तो वो कितना है हमारी 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना दोस्तों। अब हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा रिलेशन क्या होता है, एफ बराबर होता है आर बाई टू, यानी कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ से सबसे पहले हम एफ निकालेंगे, तो एफ जो निकालेंगे तो यहाँ पर आर का मान कितना है 8 है, 8/2 यानी कि 4 सेंटीमीटर। लेकिन जो ये जो एफ की वैल्यू होगी जब हम मान रखेंगे तो कैसे रखेंगे, यानी कि माइनस की 4 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि हमारा ये कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है, कैसा हमारा दर्पण है, अवतल दर्पण, इस वजह से एफ की वैल्यू कैसे रखेंगे हम लोग, माइनस की 4 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या कहा है इसने कि सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर मुखच के लंबवत कोई वस्तु रखी है, यानी कि यू की वैल्यू हमारी कितनी होगी, सिंपल सी माइनस की 12 सेंटीमीटर, समझ में आए। अब इसमें क्या पूछा, प्रतिबिंब की स्थित, तो स्थित जब भी कहा जाए तो स्थित का मतलब होता है हमारा सिंपल सा वी को फाइंड आउट करना, ठीक है ना। आकार की बात करें तो आकार को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, आई से डिनोट करेंगे, यानी कि वस्तु इमेज का जो आकार है, इमेज को इंग्लिश से कैसे लिखते हैं, ऐसे तो लिखते हैं इमेज, ऐसे तो लिखते हैं, तो आई ले लिया गया सिंपल सा, यानी कि उसका किस साइज का इमेज बन रहा है, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है प्रकृति, प्रकृति का मतलब ये पूछता है, प्रकृति का मतलब ये होता है कि वो हमारा आभासी है, प्रतिबिंब या वास्तविक है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें आपको ये बताना है, तो ये आप तभी बता सकते हैं कि जब हम सॉल्व करेंगे कि हमारा वी का मान कैसा आएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहले हमारा जो सिंपल सा फार्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u, ठीक है ना। इससे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एफ की वैल्यू दी और यू की वैल्यू दी, तो सिंपल से हमारी वी की वैल्यू निकल आएगी, जिसे हम लोग स्थित बोलते हैं। तो यहाँ पर 1/f यानी कि एफ की वैल्यू माइनस की 4 सेंटीमीटर, वी का मान हमें निकालना है, यू का मान कैसे होगा, यू का मान सिंपल सा माइनस का 12 सेंटीमीटर। अब ये देखो जब इस तरफ आएगा तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव का हो जाएगा, समझ गए, कैसा होगा, पॉजिटिव का होगा, तो माइनस का 1/4, अब इस तरफ आया ये माइनस का है, इस तरफ आएगा तो कैसा होगा, पॉजिटिव का हो जाएगा, सिंपल सा 1/v हो जाएगा। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब 4 3 12 होता है तो माइनस का 3 हो जाएगा, 12 से आप 12 को कैंसिल कीजिए तो +1 आ जाएगा, =1/v आ जाएगा। यहाँ से हम लोग वी की वैल्यू क्या निकालते हैं, सिंपल से हमारी वी की वैल्यू आएगी 12/-2, यानी कि कैंसिल करेंगे तो माइनस का 6 सेंटीमीटर आ जाएगी, कैसी आ जाएगी, माइनस का 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमें दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि कैसे आई, तो हमारी जो वह स्थित होगी तो वो कितनी आ गई, सिंपल सी हमारी 6 सेंटीमीटर। अब हमें आकार भी बताना है और प्रकृति, तो प्रकृति तो आप यहाँ से सिंपल से बता सकते हैं, यहाँ पर माइनस चिन्ह आता है तो माइनस चिन्ह हमेशा किसको प्रदर्शित करता है, वास्तविक को प्रदर्शित करता है, किसको प्रदर्शित करता है, वास्तविक, यानी कि जो हमारी प्रकृति कैसी होगी वो हमारा प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक, ठीक है ना दोस्तों, हमारा आभासी नहीं होगा। अब यहाँ पर हमें ये एक निकालना है कि उसकी लंबाई कितनी होगी प्रतिबिंब की, ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहले जो फार्मूला होता है I/O = V/U, तो देखो दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि माइनस चिन्ह भी लगा के रखते हैं, नहीं ये तो हमें पता चलेगा कि हमारा प्रतिबिंब कैसा है। तो अब हमारा सिंपल सा वास्तविक प्रतिबिंब है, तो वास्तविक प्रतिबिंब की एक हमारी ये खासियत होती है कि वह कैसे बनते हैं, हमेशा उल्टे बनते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले जो जो मान दिए गए उनके मान रखते हैं, तो आई का मान हमें निकालना है सिंपल सा, ठीक है ना दोस्तों, क्या करना है, आई का मान निकालना है, और उसके बाद हमारा ओ का मान क्या करना है, यहाँ ओ का मान कितना है, सिंपल सा ओ का मान हमारे 3 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर देखो V का मान कितना है, माइनस का 6, तो माइनस का माइनस तो +6 हो जाएगा। U का मान हमारा सिंपल सा कितना आएगा, U का मान हमारा आएगा माइनस का 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आप इसको कैंसिल करो तो देखो क्या होगा, 6 2 3 6, ठीक है ना। अब ये माइनस साइन तो है ही इसके साथ, तो यहाँ पर ये इसके साथ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो I = कितना आ जाएगा, 3 × -3, यानी कि I = हमारा कितना, -3 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमारा प्रतिबिंब हमेशा कैसा, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे बनते हैं, तो इस वजह से इसका साइन कैसा आएगा, माइनस का आएगा। और हमारा कितना लंबा प्रतिबिंब बन रहा है, 9 सेंटीमीटर, कितना आकार कितना है वो 9 सेंटीमीटर हमारा लंबा प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है ना दोस्तों। सो थैंक यू दोस्तों।